आज बेला जी आपका आपकी टीम का शुक्रिया है जो मुल्क की यूथ है जो स्टूडेंट्स आज मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी एनर्जी की वजह से आज ये शो चलेगा और पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जो जो लोग हमें देख रहे हैं कैसे ठीक हैं आप नहीं क्या हुआ सब ठीक हो जाएगा अरे अच्छे वक्त की एक बुरी बात है कि वो गुजर जाता है और बुरे वक्त की एक अच्छी बात है कि वो भी गुजर जाता है तो आपने बस स्माइल करना है बस ये ग्यारह से बारह का वक्त आपका नहीं मेरा नहीं हमारा है तो समा पे आप आ गए हैं अच्छा सा समा हम बांधेंगे इस शो में आज हम, हम मजे मजे की बातें करेंगे हमारे गेस्ट के साथ खुद भी एंटरटेन होंगे कोशिश करेंगे आपको भी एंटरटेन कर लें और कहीं ना कहीं एक दो या तीन छोटी छोटी अच्छी अच्छी कोई बातें सीख लें तो बिल्कुल टाइम जया किए बगैर अगर आप लोगों की इजाजत होगी क्योंकि आपकी एनर्जी से शो चलना है आपकी इजाजत है तो मैं गेस्ट को बुलाऊ क्या बात क्या बात है तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे आज के मेहमान को क्योंकि मैं आज आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो हमारे मेहमान हैं मैं उनका बड़ा फ़ैन भी हूँ जो वो चीज़ करते रहे हैं और कर रहे हैं उसका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वो क्रिकेट है तो जो आज हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो एक कमाल शानदार बॉलर रहे हैं आज भी अगर उनसे आप बॉलिंग करवा लेंगे वो शानदार बॉलिंग ही करवाएंगे सौ से ज़्यादा विकटें इन्होंने ली हैं बहुत कम अरसे में इन्होंने बेहतरीन बॉलर्स की फहरिस्त में अपनी जगह बना ली जब जब बॉल इनके हाथ में आया इस सवाम को लगा कि मैच उनके हाथ में आ गया आपकी मोहब्बत में आपकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहूंगा दोन एंड ओनली राणा साहिब ये मोहब्बत ये प्यार जी, कैसे देखते हैं इसको बिल्कुल आप? जी ए, बहुत प्यार मिला इन लोगों से आके मिलके बहुत अच्छा लगा आ, काफी अर्से के बाद क्योंकि फील्ड में जब होते थे तो ऐसी काफी अर्से के बाद ऐसी लगा बाद। के कि आप स्टेडियम में आ गए और ये इनक्लोजर में एक आवाम का समंदर बैठा है जो तालियां बजा रहा है बिल्कुल बिल्कुल जी मुझे पुरानी याद आगे बॉल करा दी फिर देते Thank you, thank you, ऐसे लग रहा है कि अभी राना की बारी आएगी कराएंगे और टका टक तक विकटे ले, ले लेंगे <laughs> मैं कहता हूँ ऐसे लगता में बैठे है बैठे हैं शो शुरू करने से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह शेखुपुरा से है जी बिल्कुल राना साहब आपने सुना कि जो शेखुपुरा के लोग होते हैं उनसे लड़ना नहीं चाहिए वो पैर पे कुल्हाड़ी मार के बंदा मार <laughs> देते दे दे मैं बड़ा एग्रेसिव था और जो शेखपुरा की आपने बात की वो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट सही किया लड़ाके लोग रहते हैं और स्पेशली uh, जो नारोवाल और नारंग मंडी वाली साइड है मरीद के वाली साइड उस पे ऐसे लोग हैं बचपन में लड़ाई हुई है आपकी बचपन में बस हुई है क्यों नहीं सब क्यों होती है बचपन में हमने भी लड़ते रहते थे अच्छा और इस तरह ही कभी किसी प्लेयर से हुई है आपकी ग्राउंड पे Players में जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे सहवाग से एक दो दफा हुई है क्रिस, गेल से हुई है। क्रिस, क्रिस गेल से हाँ, उससे भी हुई है तो फास्ट मेरा ये होता था कि मैं अगर इनको आ, वैसे डोमिनेट नहीं हो रहे तो मैं इनको ऐसे बातें करके या इनको थोड़ा सा बात जो दो हजार पाँच छ का हमारा टूअर था इंडिया का तो सहवाग वेरी इनफॉर्म बैट्समैन बहुत ज्यादा वो रन कर रहा था तो एक मैच हमारा ऐसा चल रहा था कि वो आउट नहीं हो रहा था और शायद दफरीदी ने बॉल डाले उसको भी पाँच चार छक्के मार दिए और सबको ठीक ठाक ठुकाई कर रहा था तो मैंने इंजी भाई से पूछा बोला जाके कि मुझे अगर ओवर दे दें तो शायद मैं इसको आउट कर दूँ क्या ये और सबको मार रहा है यार किधर इस तुम तू भी आ, कर ले ला चलो करके देख लो तो मैंने पहला बॉल उसको डाला तो मैंने स्लोर वन बाउंसर मारा तो वो बॉल ऐसे करके ना बिल्कुल ऐसे पहुंचा पहुंचा ही नहीं उसने बैट दो दफ़ा घुमाया बॉल ही नहीं पहुँचा तो मैंने ऐसे जाके गुस्से में उसको बोल दिया कि तुम्हें तो खेलना ही नहीं आता अगर तुम पाकिस्तान में होते तो तुम्हें कोई बंदा नेशनल टीम में ही ना लेता ऐसे कह के मैं वापस आ गया वो एटी एट में खेल रहा था तो वो बड़े गुस्से में आ गया उसने ना इंजी भाई को बोला कि जी राना मेरे से बदतमीजी कर रहा है तो इसको ज़रा समझाएं अब वो मैच की सिचुएशन ऐसी थी तो वो कह रहे थे कि ठीक है ठीक है बस चलो जाओ उसको भी उन्होंने डांट के भेज दिया कि बस सही है वो अगली बॉल में मैंने आके स्लोअर स्लोरबल डाला उसने ऊपर शॉट मारी वो आउट हो गया तो कहने का मसद ये है कि एज ए फास्ट बॉलर ग्रेशन तो होते हैं लेकिन टाइम ऐसा होता है कि आप अच्छी रहे हो तो विकेट नहीं मिल रही होती और सम ऐसा होता है कि उसी से दो हजार पांच में छे की बात की मैं साल पीछे लेके जाना चाहूंगा पाकिस्तान इंडिया का मैच छिकटे ले लिया आपने सताइस रन धोनी सहवाग जुवराज वो आपको इंडियन बैट्समैन ने कहा नहीं कि राणा साहिब ही तो होला रखो नहीं अल्लाह का शुक्र है कि उस सीरीज में वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हुआ था मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ था और इंडिया में पहला फास्ट बॉलर था जो जिसके रनअप जंप की और ये राना हसन साहब ने शानदार विकेट तालियां शाहिद शाहिद ने कैच किया था शाहिद ने ये वक्त आज भी याद करते हैं तो क्या फीलिंग आती है uh, बहुत ज़बरदस्त अच्छा लगता है और स्पेशल जब आप इंडिया के ख़िलाफ़ खेल रहे होते हो oh, oh, oh. तो आप जब भी कोई मैन ऑफ द मैच या सीरीज़ होते हैं तो आप ज़ीरो से हीरो हो जाते हैं तो मैं समझता तो हूँ ये मेरे लिए बड़ा एक क्रूशल uh, uh, टूर था और मैंने यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होके आए थे हम लोग ये और काफ़ी अरसे के बाद मतलब कि जो जितने भी इंडिया में हमारे फास्ट बॉलर ने टूर किए हैं सबसे ज़्यादा मैंने विक्ट वहाँ पे एज ए फास्ट बॉलर हासिल किया मैं कहते। बिल्कुल आपने बात की कि इंडियन पिचेस पे जिस तरह आपने परफॉर्म किया है जिस तरह आप उनको समझे समझें हमारे को अब क्या हो गया पाकिस्तान टीम के कोचेज आए हैं फास्ट बॉल बॉलर जो फॉरनर हैं उन्होंने कोई इतना इनके ऊपर काम नहीं किया और हम लोगों ने एशिया कप में भी बहुत बैड परफॉर्मेंस दी और अब इंडिया में भी ऐसे ही है यहाँ पे वही कामयाब है जिसको वेरिएशन और जिसको पिच रीड करनी आती है वो कामयाब होगा मैं इसी बात से बात को आगे लेके जाना चाहूँगा वैसे तो राना साहब हमारे दिल के बड़े करीब है लेकिन अफगानिस्तान शिफ्ट हो चुकी है उनकी भी कोचिंग आप ने की है और किस तरह अफगानिस्तान की टीम ने काम किया है देखिए जी अफगानिस्तान में अल्हमद टैलेंट बहुत है एक साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं मैं और, और उनकी टीम ने किस तरह काम आ, किया हम मैं और इमरान फरहत वहाँ पे, अच्छा आ, एक साल से तकरीबन ऑलमोस्ट हम काम कर रहे हैं देखिए टैलेंट बहुत है फिर लर्नर बड़े ज़बरदस्त हैं और दूसरा ये कि उनकी क्रिकेट इतनी तेज़ी से इसलिए इंप्रूवमेंट कर रही है कि वहाँ पे जो डेवलपमेंट का जो पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और इसीलिए हम देखें आप ए टीम का भी टूर गया अभी वो भी एशिया कप एशियन गेम में फाइनल खेले इंडिया के साथ वो बारिश होगी लेकिन वो मैच नहीं हो सका फिर अभी आप रिसेंटली जो उनकी परफॉर्मेंस है वो देख लें और अंडर नाइनटीन का भी एशिया कप और वर्ल्ड कप है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं सर मुझे बात है आप हमारी टीम की कोचिंग क्यों नहीं कर उधर उनको उनकी आपने कोचिंग की और उनकी टीम की परफॉर्मेंस आप इस वर्ल्ड कप में हमें उन्होंने किस तरह देखें का शुक्र है अल्लाह तनर दिया है और जितनी भी हमारी पाकिस्तानी और अल्लाह ताला का करम है कि हमें इज्जत मिली तो मैं समझता हूँ कि हम लोग ये समझते हैं कि शायद हमारे जो वो जैसे नहीं घर की मुर्गी, मुर्गी दाल बराबर वाला हमारा हिसाब है जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं आपको वैल्यू नहीं किया टॉप फोर में जाएगी Uh, बिल्कुल वो एशिया कप जाने से पहले हमारा कैंप लगा हुआ था नेशनल टीम का काबुल में तो हम लोगों की जो मीटिंग उसमें मैंने और इमरान फरत ने उन्होंने सबसे पूछा कि क्या करना चाहिए किस तरह बेहतरी आ सकती है और हमारी जो टीम है वो कहाँ स्टैंड कर रही है तो वहाँ पे इमरान और इमरान भाई ने और मैंने दोनों ने यही सजेशन दी थी कि हमारा जो गोल है वो ये होना चाहिए कि चाहे हम जीतें या ना जीतें बट गोल जो हमारा वो हाई होना चाहिए एटलीस्ट टॉप फोर में ये सोचेंगे तो एटलीस्ट हम उससे करीब तो जा सकेंगे और वही हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो प्रोटेक्शन की थी उनसे पूछा अपसेट किया भी और अल्लाह का शुक्र तीन बड़ी टीमों को चार को हराया ये अल्लाह का खास करम है बाकी वो उनकी मेहनत है बच्चों की इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम पर बड़ी तनकीद की गई आई थिंक देखिए जीतते होते हैं जीत रहे होते हैं तो सब तारीफे कर रहे होते हैं ऑब्वियसली जब आप हार रहे होते हो तो फिर वो छोटी छोटी बाबर आजम के क्या हैं मैं समझता हूँ कि मेरे से पिछले दो सालों से सवाल यही हर जगह पे होता था मेरे से नहीं और सारे क्रिकेटर्स भी मेरा ख्याल काफ़ी कुछ सीख गया हुआ है तो एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले भी यही बातें हो रही थी तो जब आप ये बड़े कोई इवेंट आते तो उस उसमें जब आप कॉन्ट्रवर्सी पैदा करते हैं तो फिर उस पर प्रेशर आ जाता है प्लेयर्स पे तो जब प्रेशर आता है तो वो अपनी परफॉर्मेंस उसकी ख़राब होती है और टीम की भी जब वो परफॉर्म करता तो हम उसको एकदम आसमान पे ले जाते जब वो नहीं करता तो एकदम नीचे गिरा देते हैं तो और मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इस टाइम वर्ल्ड कप वर्ल्ड पूरी दुनिया में वो है क्या बात है और राना साहब आप तो माशा फील्डर भी बड़े कमाल रहे हैं कि जो बॉल थी वो आपके पास आने से घबराती थी पता नहीं बॉल ही आपसे दुआ करती थी कि राणा साहब खोलना नहीं देखिए फील्डिंग जो है ना फील्डिंग एक मेन चीज होती चाहे आप बॉलर है चाहे बैट्समैन है तो हाँ. ये स्लिप हो गया था मैं इंग्लैंड में ये नोटिंगम में हम लाइक मैच खेल रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ वनडे तो ये वहाँ पे ना ओस पड़ी थी इस वजह से स्लिप हो। ये इतना बुरा फील्डर नहीं हूं जितना ये कह रहे हैं ये तो लग रहा है बॉल आपके साथ खेल रही है हाँ ये देखा

कंप्लेन कर दी वो आपकी वो इंडिया में हम लोग आईसीएल खेले थे आपको याद होगा इंडियन क्रिकेट लीग हुई थी तो काफी प्लेयर्स ने पाकिस्तान हां जी लगाए राणा प्ले तो राणा नबीदुल हसन साहब बिल्कुल ये आके जंपली एक शानदार और ये रजाक भाई जो है छक्का मारते कैच वाकई मैं सुनाता हूं आपको अच्छा इसमें ये हुआ था रज़ाक भाई को जो मैं बॉल ओवर करने शुरू हुआ तो ये हैदराबाद से खेले थे ना ये oh, 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 oh. हम लोग पाकिस्तान से ये हैदराबाद से खेले थे इंडियन हैदराबाद की टीम थी तो पहला बॉल हुआ ना रिवर्स अच्छा, भाई को भी कह रहे हैं हाँ जी वी एन भाई को भी कहा है बिल्कुल वो एन भाई ने हाँ अंपायर्स को भी कहा है ये हुआ क्या था मैं बताता हूँ ये हुआ इस तरह के पहला बॉल मैंने इनको किया तो वो रिवर्स हुआ तो इनसे हिट नहीं लगी तो मैंने मजाक तो था ना तो मैंने कहा रजी भाई आज नहीं मैं आपसे शॉर्ट ना ऐसे मजाक में कह के चला गया तो उन्होंने दूर से ना एक मुझे थोड़ा सा अब्यूज़ किया कि चलो चल बॉल करा पंजाबी में चल करा मैं तो देखना हुआ अगला बॉल मैंने स्लोअ किया नहीं खेला गया तीसरे बॉल पे फिर मैंने यॉर्कर मारा रिवर्स स्विंग आप भी हर बॉल के बाद कोई कमेंट मैं कुछ ऐसे कह रहा था रजी भाई नहीं आज नहीं लगनी नहीं वो गुस्से में आ गए गुस्से में आ गए ना उन्होंने मुझे थोड़ा सा बोला तो फिर मैंने कहा रजी भाई आप सीरियस हैं या मजाक में मुझे डांट रहे हैं कह रहा चल चल मैं सीरीज हूँ चल तू जो मर्ज़ी कर ले मैंने फिर बाउंसर मारा वो आउट हो गया तो मैंने कहा जाए फिर अब वो गुस्से में थे तो गुस्से में उन्होंने इंजी भाई को शिकायत लगाई कि राना बदतमीजी कर रहा है तो फिर इंजी भाई ने मुझसे कहा कि क्यों कर रहे हैं मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे मजाक मजाक में शुरू हुआ है तो ये सीरीज हो गए अच्छा उसके बाद जब मैच ख़त्म हुआ फिर मेरी और रज़ी भाई की सुलह करवाई इंजी भाई ने पच्चीस लड़कों का हमारा वो जो डिनर था वो फिर वो सुलह की एवज़ मुझे पड़ा हाँ जी वो सुलह करनी पड़ी ना सुलह करनी पड़ी तो उन्होंने कहा कि जब खाना भी खिलाओ जब उस तो। करनी पड़े तो फिर खाना खिलाना पड़ा हाँ, मैंने उसके बाद सोचा कि अपने प्लेयर से किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा <laughs> ऐसा आपके टाइम पे कोई प्लेयर था जो आपका दिल करता था अरे इसको आउट मैंने करना है आ, बिल्कुल मेरा ड्रीम था जब मैं पाकिस्तान टीम में आया तो मुझे ये था कि मैं ब्राइन लारा को आउट करूं। ब्रायन लारा वॉज उस टाइम वो बहुत मतलब इतना अच्छा बैट्समैन था फॉर्म में भी था रन भी कर रहे थे रिकॉर्ड होल्डर थे बहुत ज़्यादा उन्होंने रनस किए हुए थे तो मुझे याद है कि एडलिड में ऑस्ट्रेलिया में हम लोग मैच खेल रहे थे ब्रिजबन uh, में सॉरी तो मैंने उनको आउट किया तो मैंने पूरे स्टेडियम का ना ऐसे करके ना जैसे वो इमरान ताहिर भागता है तो इस तरह मैं पूरे स्टेडियम में भागा तो इन सी बहन रुक जा किधर जा रहा है अभी और वो, वो बॉलिंग करवानी है इसको नहीं आउट करना अभी और सारे बैट्समैन हैं तो मैंने वो मेरा ड्रीम था कि मैं जब खेलूँगा पाकिस्तान तो मैं ब्रायन लारा को आउट करूँगा ये मेरा एक होता है आ, of course, आ, इतने बड़े तो मैंने उनको आउट किया तो मैंने कहा इनसे सी अब चाहे मैं क्रिकेट खेलूं या ना खेलूं बस मेरा जो ड्रीम था वो पूरा हो गया नहीं उन्होंने कहा नहीं अब ये खेल नहीं है आ जाओ वापस तो वो मेरे लिए बड़ी अच्छी मोमेंट था तालियां सवाल तो अभी हमने आपसे राणा साहब बहुत पूछने हैं लेकिन हमारे शो का एक सेगमेंट है जिसका नाम है लिपसिंग बैटल लोगों ने क्रिकेट खेलते तो आपको देखा है लेकिन लोग ये देखना चाहते हैं कि जब आपका फेवरेट गाना लगता है तो आप किस तरह उसको इंजॉय करते हैं देखिए पहली बात तो ये है कि कभी मैंने इतना डांस नहीं किया जितना डांस नहीं करना हाँ सिर्फ आपका जब गाना लगता है आप उसको किस तरह एंजॉय करते हैं अच्छा ठीक ना गाना है, ना एंजॉय करना है आपकी पसंद का गाना लगवाएंगे कोई भी लगा ले जी लिपसिंग बैटल की तरफ लाये हो लिपसिंग बैटल विद वन एंड ओनली आवरBeloved आवर लवली राणा जी गेट रेडी कौन सा लगाने लगे हैं तूसी क्या कोई भी ला लो तो लगा दो फिर लगा दो फिर देखी जाएगी जब कोई heavy man of the match वाली हो तो तो ऐसा ही 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 होता होगा। क्या अंदर जब वापस जाते थे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे कोई भंगड़ा नहीं पा, पा सकता मैं। नहीं, नहीं, मैं नहीं, कह रहे प्लेयर ने कभी होया कि बहुत बड़ा मैच हम जीते लोग नहीं इस तरह नहीं क्योंकि प्लेयर्स हमारी दीनी जमात बहुत ज्यादा थी उसमें आपको याद होगा इंजी भाई भूषण भाई ये सारे तो वहाँ पे दूसरे तरीके से सेलिब्रेट करते थे इस तरह अगर वो लोग नहीं होते थे तो फिर कैसे करते फिर थे, करते थे चुप के थोड़ा सा ऐसे हल्ला गुला कर लेते थे, थे? जीत गए ना तो कभी कोई वाकिया फैन का ऐसे, भारत का साथ हुआ शाम को निकल गए घूम गए मैं बताता हूँ आपको हम लोग हैदराबाद में थे आईसीएल में अच्छा और हमें वो आपको याद होगा अजरुद्दीन थे इनके जो पुराने भाई है उनका नाम इब्रार है इब्रार अच्छा अच्छा तो उसने हमारी वहाँ बड़ी लुक आफ्टर की ना हैदराबाद में उसने खाना वाना खिलाना तो दस बजे का टाइम था कर्फ्यू का तो मुझे खाने पर मुझे मोहम्मद समी को और एक और क्रिकेटर था उनको ले गए ठीक है तो हम ना पहले हमने उससे कहा कि रेस्टोरेंट पे खाना है या घर खाना है हमने कहा जहाँ मर्ज़ी खिला दो उसने क्या किया कि रेस्टोरेंट्स पे खाना खिला के उसने कहा चाय के बहाने ना किसी दोस्त के घर ले गया अच्छा जब उनके घर गए तो इसी तरह हम गपशप मारते मारते वो 11 बज गए हमें पता ही नहीं चला अब हम डरे कि जाएं कि ना जाएं अब जाएं जाना तो पड़ना था लेकिन हम लोग 11 बजे जब गए होटल तो वो कैमरे लगे होते तो वो सारा पता चल गया उनको कि ये 11 बजे आए तो सुबह मुझे और समी को इतनी पनिशमेंट मिली कि सुबह जितने भी बैट्समैन थे ना 11 से एक से लेकर 15 तक उनको सबको बॉलिंग करवानी पड़ी इतनी सज़ा उन्होंने मोहन भाई कोच थे हमारे उन्होंने दी तो हमने उसके बाद हाथ लगा के दस बजे के बाद चाहे तो तो उसके बाद जिंदगी में पीना अरे चोरी नहीं लेकिन

और किसकी कैप्टनसी में खेलना सबसे मुश्किल था सबसे आसान था वो इंजाम लगते उनकी कप्तानी में वो आसान बजा। बजा। वो उनको यूटिलाइज करना आता था, था हर बंदे से काम लेना आता था, था कि राना की क्या कैपेसिटी है शुएब अख्तर की क्या है समी की क्या है तो मैं उनको इसलिए रेट करता हूँ हमेशा कि उन्होंने आ, मैं इतना अच्छा बॉलर नहीं था लेकिन उन्होंने मुझे बड़ी अच्छे जगह पर यूज़ किया यूटिलाइज़ किया और मैं हमेशा सक्सेसफुल हुआ मैं इसलिए उनको कहते और सबसे मुश्किल सबसे मुश्किल ये ये बड़ा मुश्किल सवाल बताना तो पड़ेगा आई uh, थिंक मैं खान की कप्तानी में अनकंफर्टेबल था काफ़ी जब मैं उसकी वजह uh, बस थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है वो uh, क्योंकि हम इकट्ठे खेले शुरू से ही एम सी बी मुस्लिम कमर्शनल बैंक की हमारी टीम होती थी उसमें इकट्ठे खेल रहे लेकिन जब वो कैप्टन बनते तो थो थोड़े अग्रेशन और अग्रेसिव हो जाते थे जो प्लेयर्स पीसीबी पे इल्ज़ाम लगाते हैं वो सिर्फ एक्सक्यूज ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उनको नौकरी चाहिए होती है वाह अगर ये प्लेयर्स क्रिकेट में ना आते तो किस प्रोफेशन में जाते इंजमाम हक आई थिंक मेरे ख़्याल से वो तबली तबलीखी जमात में हो शाहिद अफरीदी। uh, शाहिद अफरीदी अच्छे फिल्म स्टार होते मोहम्मद यूसुफ मोहम्मद यूसफ जो हैं उनको कह सकते हैं कि आप अच्छे सियासतदान बन सकते थे अच्छा अहमद शहजाद अहमद शहजाद भी अच्छा एक्टर बन सकता था कामरान कामरा अकमल के बारे में मैं यही कहूँगा कि अच्छा बिजनेस बन सकता था उमर गुल उमर गुल उमर गुल आई थिंक वो क्रिकेटर ना होता तो मेरा ख्याल क्रिकेटर ही होता <laughs> हमारी टीम में टैलेंट कम और दोस्ती यारी ज़्यादा काम आती है इस वक्त तो यही लग रहा है आपके टाइम पे यह होता था नहीं ऐसा नहीं था क्योंकि सीनियर प्लेयर बहुत ज़्यादा खेल रहे थे जो जूनियर आते थे उनको फिर वो काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता था तो वो

इंजरीज़ के बाद जब भी कोई कोई हम समझते ना एज ए फास्ट बॉलर मुझे पता है कि इंजरी के बाद जब वो वापस आते हो तो टाइम लगता है लेकिन उसकी नो डाउट कि उसकी जो सर्विसेज है उसको भूलना नहीं चाहिए और बेशक क्रिकेट टीम में कोई किसी का सच्चा दोस्त नहीं होता ट्रू हाँ जी इसकी क्या वजह इसकी वजह ये होती है कि जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते ना तो फिर कोई भी आपका साथ नहीं देता जब आप परफॉर्म कर रहे होते तो सारे आपको सलाम भी कर रहे होते और आपको हर जगह ले कर फिर रहे कैश करवाते हम्म hmm. <apples> नाना साहब अगर आप परफॉर्म एक प्लेयर नहीं कर रहा तो ये अपने लिए तो हम खेल नहीं देते तो हम मुल्क के लिए खेल रहे हैं तो वाकई वो मुल्क की टीम ज़्यादा ऊपर नहीं है फिर हमें एक ऐसा प्लेयर नहीं लाना चाहिए जो परफॉर्म कर रहा है बिल्कुल जी बिल्कुल सबके साथ ऐसा होता है ये ट्रू है कि जो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा और फॉर्म नहीं लगी हुई तो उसकी जगह डेफिनेटली किसी और को मौका देना चाहिए आपका फेवरेट ऑलराउंडर कौन है आज के ज़माने में आज के ज़माने में आई थिंक राशिद खान कह सकते हैं आप अच्छा आपकी ज़िंदगी पे अगर फिल्म बने तो आप अपना किरदार किस एक्टर से अदा करवाना चाहेंगे मोहम्मद राना से मोहम्मद राना से वो क्यों एक तो मेरी बरदरी है और दूसरे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़ा अच्छा एक्टर है और लड़की का किरदार किस हीरोइन से वो मोहम्मद राना डिसाइड करेंगे <laughs> क्या भाई अच्छा हमारा एक पिक्चर सेगमेंट है कुछ प्लेयर्स की पिक्चर्स आएंगी और हम चाहेंगे कि आप कुछ इन प्लेयर्स के बारे में ओके okay. बोले जी सेबाग क्या कहना चाहेंगे वन लाइनर को एक लाइन सेबाग के बारे इन द गुड सेंस जैसे मर्जी जो आपके दिल में आ रहा है थोड़ा सा प्राउडी है अच्छा प्राउडी है ठीक नेक्स्ट गुड पर्सन गुड पर्सन माय बेस्ट फ्रेंड हैं इतने इतनी क्यों इतनी देर नहीं थी मैं यह हालांकि जो टैलेंट इनके पास मैं कहता हूं आज कल ऐसा बंदा चाहिए था हमें बिल्कुल जी ये जितना एग्रेसिव ये खेलता था और जितनी इसने पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दी हैं मैं समझता हूँ कि कम क्रिकेट खेल खेलना चाहिए ज़्यादा खेलना चाहिए है ना बिल्कुल उसकी क्या इसकी क्या वजह है इनकी वजह इसकी प्लेयर खुद ही होता है क्योंकि जब आप नीचे से ऊपर आते हैं ना तो फिर अब जब आपको फेम मिलता है गाड़ियाँ दौलत हर चीज़ आपके आगे पीछे पीटी होती ना तो कुछ लोग जो है वो समझ जाते हैं कुछ जो बिगड़ जाते हैं बहुत बड़ी बात की है तो उनमें से

ये भी स्पाइक स्पाइन तो इनके जो मैंने पैर देखे तो अजीब से ना तो मैंने उसको बोला पंजाबी में पाया ना थोड़े पैर ना साढ़ा एक महल्ले ना बशीर वेल्डर है वो देज देने उसने <laughs> मुझे वो शूज़ उठाया इसने मुझे ऐसे चलाया मेरी तरफ तो बकवास ना करें अगर कर। <laughs> मतलब मजाक में मैंने उसको मजाक किया तो वो गुस्सा कर गया लेकिन बहुत अच्छा बंदा दिल का बहुत इनकी अच्छा इनकी और लाला की कैसी केमिस्ट्री थी आपस में उसमें लाला की लाला इसको हमेशा छेड़ते थे अच्छा हाँ शायद इसको बहुत ज्यादा मजाक करता था यहाँ से, से, तो से भी खड़े होकर खा सकता तो इसको बहुत ज्यादा लाला, लाला, दिला बहुत।, लाला भी कर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कोई कोई को मैं शायद भाई का वाकया सुना था। पर्थ में मैच हो रहा था याद है आपको बॉल चब आई थी वो जब आप सेम मांगा था उन्होंने बॉल दे दी थी नहीं वो बॉल चब आ रहे थे वो वो वाक्य इस तरह हुआ कि उस टूर में ना हम बहुत बुरा खेल रहे थे पाकिस्तान की टीम इतना बुरा खेल रही थी कि हमने एक सिंगल मैच भी नहीं जीता हुआ था तो हर दूसरे मैच में कभी शेब मलिक कप्तान कभी यूसफ कप्तान कभी शाहिद अफरीदी कभी यूनस खान तो वो चार कैप्टन हमने पूरे टूर में ना चेंज कर दिए तो लाला को उस मैच में उन्होंने कप्तान बना दिया अब ऑस्ट्रेलिया को तीस पैंतीस रन चाहिए थे सात आउट हो गए थे उनके तो मैं और मोहम्मद आसिफ बॉल कर रहे थे तो लाले ने कहा कि मैं बॉल जब आता हूँ शायद ज़्यादा स्विंग हो तो ये आउट हो जाए जीत हाँ। जाए तो वो कैमरे लगे होते हैं बीस पच्चीस ना पूरे ग्राउंड में तो वो लाला ने जब वो मूव में बॉल डाला ना उसको ऐसे चबाया तो स्क्रीन में आ गया तो मैंने लाला की तरफ देखा मैंने कहा लाला आप स्क्रीन में आ रहे हो ये क्या कर रहे हो आप कह रहा नहीं 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 आता मड़ा स्क्रीन में नहीं आएगा कुछ नहीं आएगा मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि बॉल स्विंग हो और आउट हो जाए तो वो ओवर होगा मैंने उसको आउट भी कर दिया था जॉनसन को तो वो दूसरी साइड पे जब वो आसिफ के पास गए उधर भी उन्होंने ना ऐसी ही बॉल चबाया तो वो पूरी दो स्क्रीन ऐसे लगी होती थी बड़ी स्टेडियम में चल रहा है हाँ, वो चल रहा है और मैं मेरी मेरा फेस उस तरफ था स्क्रीन की तरफ तो मैं हंस रहा हूँ हल्का सा तो मैंने कहा लाला आप स्क्रीन में आ रहे हो तो लाला क्या कह नहीं, नहीं 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 आ रहा मैंने कहा मैं देख रहा हूँ आपको उतनी देर में अंपायर ने बॉल ले ली बॉल ली और पाँच रन की पेनल्टी और बॉल चेंज हुआ तो लाला ने मुझे कहा कि अब क्या होगा मैंने कहा बस एक दो मैच बैन होगा और मैच फीस जाएगी और क्या होगा बस लाला ओ, आ गया ना लाला क्या कहेंगे लाला बस ये कहेंगे तो लोग स्टेडियम छोड़ के जा रहे पिशावर में आ, आपने क्या क्रेज देखा लाला का देखिये पिशावर में हमारा मैच हो रहा था जी यूनस खान सौ पे खेल रहा था ये इसकी बारी नहीं आ रही थी तो वो सारे जितने भी पठान वहां बैठे थे तालियां बजा रहे थे लाला लाला आ जाए आउट हुआ है तो क्या है? हुआ है तो तो ये ये गया है 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 अंडे पे आउट मिनट के बस स्टेडियम क्या नहीं ऐसे ही है। तो प्लेयर्स का रिएक्शन होता था इसमें? बस देखे, मैंने आपको कहा ना ब्रांड माशाला खूबसूरत है गुड लुकिंग है और जब रन करते थे तो इनको खुद नहीं पता होता था क्या कर रहे हैं मैच विनर भी रहे ग्रेट प्लेयर कह सकते हैं और बहुत अच्छा इंसान आपकी हुई बिल्कुल इंटरेक्शन हम, हम, हम लोग खेल रहे थे इंडिया में तो मैंने इनको आउट कर दिया जीरो पे कॉट भी एंड हो गए तो बड़ा हल्का सा एज लगा था तो मैंने जिस बात में आके ना इस अपील करते करते इस, इसको जब क्रॉस किया ना तो मैंने कहा इतना बड़ा आउट है खड़े हो गए हो यार बेमानी कर रहे हो तो ये कह के मैं गुजर गया फर्स्ट स्लिप में इन भाई खड़े थे मैंने उनके साथ जब हाथ मारा तो मुझे कहा क्या कहा है आपने इसको सचिन को किसने कहा इन भाई ने कहा कि आपने क्या कहा है मैंने कहा इनसे भाई कुछ नहीं कहा भाई यही कहा है कि इतना बड़ा एज खड़े हुए हो कह रहे जाओ अभी जाओ सॉरी करो तुम्हें पता कितना ग्रेट प्लेयर है फिर मैं भागा वो अभी सर्कल से बाहर नहीं थे मैंने उनको फिर रोका मैंने कहा सॉरी आई एम वेरी सॉरी मैंने एक्साइटमेंट में ना आपको जो कुछ कह दिया मैं सॉरी माफ़ी मांगता हूँ उसी चीज़ की तो फिर इन, इनका जवाब था कि यार कोई बात नहीं इट्स ओके नो प्रॉब्लम तो कहने का मकसद ये जितना ग्रेट प्लेयर था उतना अच्छा इंसान भी है वाह और इसमें

तो जब भी हम जाते हैं तो वो अपने रेस्टोरेंट में हमें खाना खिलाते हैं और बड़ी खिदमत करते हैं आ, पंजाबी ठोस बिल्कुल पंजाबी आदमी है और इसलिए मैं उनको ज़्यादा पसंद करता हूँ कि हमारे साथ बैठ के खाना खाना गप्पे मारनी और बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता था पीसीबी चेयरमैन का कितना रोल होता है एक टीम की डेवलपमेंट में टीम की परफॉर्मेंस में देखें जी बहुत ज़्यादा हेड है होते हैं वो हर चीज़ के तो अगर अच्छा ये नहीं मैं एक्स प्लेयर से पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आजकल बड़ी बातें होती हैं देखें जी कोई टेक्निकल बंदा होगा जिसने खेली होगी और प्रैक्टिकल आदमी होगा तो वो समझते थे जैसे रमीज भाई थे हाँ। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इतनी अच्छी कर दी थी स्पेशली ग्रास रूट से जो हमारा टैलेंट आ रहा था वो बहुत ज़बरदस्त था तो मैं समझता हूँ कि जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आए वो खेला हो क्रिकेट खेला हो आपके हिसाब से वो क्रिकेटर होना चाहिए बिल्कुल ऐसे आपके टाइम पे कोई आपके प्लेयर की किसी और प्लेयर के साथ ग्राउंड में या ग्राउंड के बाहर कोई लड़ाई हुई हो जो आप इन्वॉल्व हो गया आपने सुलह कराई हो गया खल हो यार की हो गया कोई कोई टूअर्स पे कोई फैंस ने बदतमीजी की हो तो वापस कोई प्लेयर गुस्सा हो गया कोई ऐसा मौका हाँ शुएब अख्तर साहब के साथ हुआ एक वाक्य बर्मिंग में अच्छा हम आई सी सी ट्रॉफी खेले थे दो हजार तीन चार की ठीक है शोए शेब भाई बाउंड्री पे खड़े हुए थे तो वो हमारे मीरपुर के कुछ लोग थे वहाँ पे बैठे हुए थे तो उन्होंने ना उनको अपनी वो लैंग्वेज उनकी जो होती है पुठवारी बोलते हैं वो हाँ। तो उसमें ना उसको अब्यूज कर रहे थे ना शोब अच्छा तो शुब भाई ने ना उसको चमाट करा नहीं सीरियस है उसको थप्पड़ मार दिया अब वोट दी शुभ भाई गुस्से में थे क्योंकि आपको पता वहाँ जंगले वगैरह तो होते नहीं इंग्लैंड में मैच चल रहा है। मैच चल चल रहे हैं रहा वो फील्डिंग कर रहे हैं और शोब भाई बाउंड्री के पास <laughs> और अंदर अच्छी खासी ग्राउंड तक आवाज आई अच्छा उसके बाद क्या हुआ हम लोग इंडिया से मैच था इंडिया से हम जीत गए मैच नहीं उस उसके चुपेट मार के वापस आके फील्डिंग वापस आके इन्होंने एनजीबाई को बोला कि वहां पे मुझे एक लड़का है दो तीन लड़के वो तंग करे मुझे कहीं और फील्डिंग पे भेज दी उन्होंने उधर से उधर भेज दिया अब वो उनको पता नहीं था कि वो थप्पड़ मार के आ गया हुआ है पता ही नहीं चला तो शुब भाई उधर से घूम के दूसरी जगह चले गए मैच खत्म हुआ तो शेब भाई जब बस में बैठने लगे तो वो लड़के वो जिसको मारा था वो तीन चार लड़के लेके ना बस के पास खड़ा हो गया तो उसके पास सिगरेट थी उस लड़के के पास तो शेब भाई ने वो जिम वेस्ट पहनी हुई थी ठीक ठाक बॉडी है ना तो उसने गुस्से में ना यहाँ पे सिगरेट समझा कि मुझे कुछ चीज़ ने काट लिया या उसने कुछ चीज़ ऐसी मारी है नज़र तो नहीं ना आ रहा था ऐसे देखेंगे नहीं नज़र आएगा आ, तो वो ना गालियाँ देते देते अंदर आ गए ये यार उसने मुझे ये बदतमीज़ है ये बड़े ऐसे ना करके तो पीछे बैठ गया और ये कई जाए यार यहाँ देखना मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है ना जलन सी हो रही है क्या है मैं अब हमने कहा कि लाल सा निशान है शेब भाई किसी से लड़ाई की आपने कह रहा यार वो एक लड़का था बदतमीजी कर रहा था उसको मैंने चमाट कर आई है मेरा ख्याल उसने ना कुछ चीज़ लगा दी है तो हमने कहा आई थिंक कि वो सिगरेट कुछ चीज़ ऐसी आपको लगाई हुई अब वो शेब भाई कहें कि अगर ये आ गए होटल अब डर भी रहे हैं <laughs> तो मैं और मैं और शेब मलिक और कामरान ना बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम इकट्ठे बैठ गए पीछे सबसे पीछे तो ये हमारे पास आके बैठ गए तो उन्होंने कहा यार शेब भी अगर ये पीछे आ गए होटल तो क्या करेंगे तो हमने पैन इन शाह अगर ये आते हैं वो नजर ता, भी नहीं 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 हम 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 आपके साथ हैं और इन आपको किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे शेख भाई फिर रहा ऐसे चौड़े होके बैठे क्या बात है तो अगर वो बाकी आ जाते फिर राणा साहब फिर हमने कोशिश करनी थी छुप जाना था क्योंकि इंग्लैंड में ऐसा होता है ना कि इंग्लैंड में आप किसी को मार नहीं सकते या लड़ाई झगड़ा करें तो थोड़ा दूसरा सिस्टम है यहाँ वाला नहीं है कि तो लड़ाई जिसने मारा उसको भी कहते तूने अच्छा किया है जिसने मार खाई कहते है राणा जी एक मिनट दे दो मिनट भी नहीं तो भी कट एक छोटी सी ब्रेक लेनी है इस तरह जाकर इस तरह आएंगे आपने कहीं नहीं जाना कीप विद की वेलकम बैक लेडीजमैन हथ कर दी के सफर को आगे लेकर चलते हैं और चलते हैं ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ जी कौन सवाल पूछेंगे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर मोमिन मेरा क्वेश्चन आपसे मेरे कि आप, से जी क्या आप मुझे अपनी तरह के बहुत प्यारे लगते हैं मैं आपसे पिक्चर या वीडियो बना सकती हूं आ जाएं आप आ जाएं जल्दी से आ जाएं नहीं <laughs> दे आ जाएं देख के दीजिए देख के सेल्फी लूं मैं अच्छा अब आप, आप बीच में आ जाएं कैमरा दो थैंक यू जी थैंक यू बेटा बाकी हमने सुना का कैसा क्या नाम था मैं भूल गया आपका एक गोरा कोच था अच्छा ये लगता मुशीबाई ने बताया <laughs> नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं वो इस तरह था ऐसे हाँ। ही है ना वो मेरे ए, मेरे ना बिल्कुल बाल कटवा दिए तो मेरे ना सर पे काफी चोटों के निशान हैं अच्छा हाँ जी तो वो मैं बैठा हुआ था ऐसे नीचे तो वो ऊपर से ऐसे गुजरा तो उसने मुझे कहा इंग्लिश में कि ना वट हैपन ऑन योर हैड मतलब आपके सर पे क्या मसला है hmm. तो मैंने उसको बोला इंग्लिश में कि मेरे सर पे पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ <laughs> तो उसने बड़ा हैरानगी से हूँ वट वट डू यू मीन तो मैंने उसको बोला कि जब मैं हमारा कल्चर डिफरेंट है आप लोगों से hmm. तो हम वहाँ पर अगर क्रिकेट खेलें या कोई और गेम खेलें तो हमारे जो पेरेंट्स और जो हमारे बड़े वो मना करते हैं कि पढ़ो खेलो मत तो मुझे खेलने का बहुत शौक़ था तो मैं जब अपने वाले साहब के मना करने के बावजूद ग्राउंड में चला जाता था तो मुझे डंडे शंडे पढ़ने या मार पढ़ने तो वो सारे ये मार्क्स वो वाले हैं तो वो इतना हैरान हुआ कि ऐसे भी होता है पाकिस्तान में ऐसे ही होता है नेक्स्ट असलकम आप आपसे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की तरफ ने आपने बहुत सी लीग खेली पर आपका कैरियर इतना लंबा नहीं था पाकिस्तान में बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने बेटा जब मैं पाकिस्तानी टीम में आया उससे पहले तीन चार साल मैं फ़र्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा आउट करता रहा लेकिन मौका नहीं मिला क्योंकि मैं ये नहीं किसी को ब्लेम दूंगा क्यों नहीं मिला लेट खेला लेकिन क्योंकि उस वक्त हमारे पास लेजेंडरी बॉलर खेल रहे थे वसीम अक्रम वकारयसबा आकब जावेद शुब अख्तर मोहम्मद जाहिद और अजहर महमूद अब्दुलरजाक मोहम्मद समी ये छः सात आठ बॉलर ऐसे थे उस वक्त जगह बनाना इनके इनके दौर में बड़ा मुश्किल था तो मैं इसलिए थोड़ा लेट भी आया बाकी लीग्स जो है वो अल्लाह का शुक्र पूरी दुनिया में जहाँ जब जहाँ जहाँ टी ट्वेंटी हुई है वो खेला हूँ बकारस साहब के साथ थोड़ी सी अनबन आपकी रही मोहम्मद आमिर ने भी रिटायर होने के बाद कहा कि जी उनका नाम लिया देखें क्यों तो तो आपको लगता है उन्होंने ग्रेज आपको लगता है बनाया आप देखें मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ ये बात करता हूँ कि करनी चाहिए सच जो है वो सबके सामने आना चाहिए देखिए वो बहुत ज़बरदस्त लेजेंडरी बॉलर थे मैं उनको फॉलो करता था उनका एक्शन फॉलो करता था उनकी जो रिवर्स स्विंग है यॉकर्स उसको कॉपी करने की कोशिश करता था नो डाउट कि वो बहुत ज़बरदस्त बॉलर थे बट ऐसा नहीं होता कि वो जो बहुत अच्छा बॉलर है या बहुत अच्छा बैट्समैन रहा अपने दौर में और बहुत अच्छा कोच भी साबित हो तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं इसलिए वो जब कोचिंग में आए तो उन्होंने वही उनका एटीट्यूड वही रहा जो जैसे वो खेल रहे थे स्टार थे तो वो समझते थे, थे कोचिंग में भी ऐसा ही है ऐसा नहीं होता टोटली डिफरेंट होती चीज़ें आपको सबको अपने एक साथ लेके चलना होता है तो इस वजह से थोड़ा सा उन्होंने काफ़ी क्रिकेटर्स जो है उनके कैरियर जो है ना वो उनका सत्यानाश किया है बिल्कुल ऐसे नेक्स्ट आपके अंदाजे से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बहुत टैलेंटेड था आगे जा सकता था लेकिन उसने अपने साथ खुद ज्यादा की वेरी गुड क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा सवाल किया है मोहम्मद आसिफ मोहम्मद आसिफ आसफ बड़ा प्लेयर था वन ऑफ द बेस्ट मैं समझता हूँ कि दुनिया उसको मानती थी इतना ज़बरदस्त बॉलर था बदकिस्मती समझ लें हमारे मुल्क की उसकी भी समझ लें कि वो दुनिया में नाम बना सकते थे पाकिस्तान का और अपना भी वो मोहम्मद आसिफ नेक्स्ट ऑलराउंडर जनरेट नहीं कर पाया पाकिस्तानी टीम अभी तक कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है जो हमें मैच जिता आ सके हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं बट डिपेंड करता है कि उनको मौका नहीं मिलता तैयार करना आई थिंक मैनेजमेंट का काम होता है और जो आपका क्रिकेट बोर्ड है उसका जो थिंक टैंक होता है उसने सारी टीमें बनानी होती है उसी ने प्लेयर बनाने होते हैं उसी ने बिगाड़ने होते हैं तो जब हम खेलते थे हमारे दौर में चार चार पाँच पाँच ऑलराउंडर होते थे क्योंकि उनको प्रॉपर मौका दिया जाता था यहाँ पे अब ये होता है लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है और जो हमें रिक्वायर्ड होता है उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे होते और दूसरी तरफ हम ज़्यादा तोज् दे रहे होते हैं इसलिए हमारे पास ज़्यादा जो है ना ऑलराउंडर नहीं आ रहे सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी भी आप यंग हैं ब्यूटीफुल हैं स्मार्ट हैं तो आपने इतनी जल्दी क्रिकेट छोड़ी क्यों uh, पहले तो यंग और ब्यूटीफुल uh, पे थैंक यू वेरी मच कोई शक नहीं नहीं बिल्कुल सही थैंक यू वेरी मच बेटा थैंक यू वेरी मच जैसे आप मेरी बेटी है मेरा बेटा बैठा हुआ है आपके साथ ये मेरा बड़ा बेटा है ठीक है और सबसे बड़ी बेटी जो आप जितनी होगी मेरी तो थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छा आपने मुझे बोला देखिये फास्ट बॉलर की जो लाइफ होती है वो आठ दस साल होती है जो पीक का टाइम होता है तो मैं समझता हूँ अपने आप को लकीस्ट पर्सन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ बहुत कम है आ, मैंने पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली और एज ए फास्ट बॉलर बड़ा मुश्किल होता है कि आप कैरियर को ज़्यादा लंबा कर सकें तो एज ए फास्ट बॉलर मैं समझता हूँ पंद्रह साल दस पंद्रह साल बहुत अच्छा कैरियर होता है तो मैं इसलिए रिटायर हो गया कि बस मुझे लगा कि अब फिजिकली फिट हैं और मतलब कोई फ आपको कह नहीं सकता है, कि आ, लगता है लेकिन भागने में जब भागे ना बॉलिंग करें तो फिर एक महीना <laughs> सांस और नहीं जाती <laughs> साहब बड़ा ही मजा आया थैंक यू वेरी मच मुझे वाकई आज शो का पता ही नहीं चला इतनी मजे मजे की कहानियां इतनी मजे मजे की स्टोरीज आपका कोई पैगाम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए और पाकिस्तानी यूथ के लिए शो के थ्रू पाकिस्तान टीम के लिए बस यही पैगाम है यार दिल छोटा नहीं करना चाहिए हार जीत पार्ट ऑफ लाइफ है और जो यूथ है हमारी उसके लिए हमेशा मैं यही मैसेज देता हूँ कि किसी भी शोबे में हो शॉर्टकट ना ढूंढें मेहनत करें हार्ड वर्किंग ऑलवेज पेज यू और अल्लाह ताला पे बिलीव रखें कि हमेशा उस बंदे को कामयाबी मिलती है जो मेहनत करता है वाह क्या बात है। बहुत प्यारी बात बहुत प्यारा मैसेज जिससे मैं चाहूँगा कि हम शो का एंड करें कि लाइफ में शॉर्टकट्स ढूंढेंगे तो बस फिर ढूंढते ही रहेंगे अपनी मेहनत ज़रूर करें और अल्लाह ताला मेहनत का सिला आपको जरूर देते हैं और अक्सर आप इस चीज़ में मेहनत करते हैं सिला आपको इधर मिल जाता है कहीं ना कहीं उसका सिला मिल जाएगा गाँव में याद रखिएगा मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखिएगा मिलता हूँ आपसे हद कर दी कि अगले एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह हफु